नमस्कार, मी वैष्णवी. आपण पाहतात इंडियन टीव्ही न्यूजच्या बुलेटिनमध्ये आपले स्वागत आहे. चला तर नजर टाकूयाच्या काही विशेष घडामोडींवर. कल्याणमध्ये पोलिसांच्या विरोधात एक कुटुंब आमरण उपोषणाला बसले आहे. पोलीस प्रशासन आपल्यावर अन्याय करत असल्याचा आरोप सदर कुटुंबियांनी केला असून सदर अन्यायाविरोधात हे उपोषण छेडण्यात आल्याचे उपोषणकर्ता अमिताभ गुलाब सिंग यांनी सांगितले. मैं अमिताभ गुलाब सिंग, ये मेरे आजी बाबा की पैतृक संपत्ति है. 1961 से हमारी पूरी फैमिली यहाँ पे रह रही है. हमारे पास 7-12 वगैरह सब पेपर क्लियर है. हमारा वो हमारे विरुद्ध में चौहान हमारी फैमिली ने लाके उनको बसाया, लेकिन उनको भी 7-12 दिया हुआ है. उनको भी सब वही अधिकार दिया जो अधिकार हम लोगों ने शासन प्रशासन से मिला. हमको हमने उनका एक इंच भी कब्जा नहीं किया, लेकिन फिर भी उन लोगों ने खोटा केस किया. अपना आज भी केस चालू है कोर्ट में. पिछले 15-20 दिन से ADMC का पूरा शासन प्रशासन हमारी फैमिली को इतना मतलब आखिरी हद तक जाके हैरेसमेंट कर रहा है. हर दिन हमारा सोशल मीडिया पे लाइव वीडियो जा रहा है. हमारी घर की फैमिली को मतलब चाहे लेडीज़ रहें दो, एकदम सबसे वरिष्ठ रहें दो, ये यहाँ पे खड़ी है, इनको ढकेल के मारना रोड के ऊपर. चाहे लेडीज़ रहें दो, उनको रोड पे सुला के मारना. मतलब पुलिस इस तरह के हद के गुंडागर्दी पे उतर गई है कि मतलब हम लोग सोचते भी, अभी बोल तो रहा हो तो मेरा रूह कांप रहा है, अंदर से घबराहट हो रही है कि आके वापस मारेंगे हम लोग को, लेके जाएंगे यहाँ से. कल आज पिछले 7 तारीख को हम लोग को मालूम पड़ा कि हमारे प्रॉपर्टी पे कुछ तो भी मिस्चीवियसनेस होने वाला है. इसके लिए हमारे बाबा के और याजी के बड़े लड़के आशुतोष सिंह और उनके साथ में ये सुमन आजी के लड़के राहुल सिंह, ये लोग अर्जी लेके गए हमारे साहू राजे सालवे साहब के पास. उन्होंने वहाँ पे अक्षर का धमकी दिया, उसको अर्जी नहीं लिया. उन्होंने कहा कि तेरे को तड़ी पार कर देंगे, प्रॉपर्टी की इधर दिखना नहीं. मतलब हो क्या रहा है. आपल्यावर अन्याय होत असून आपल्याला न्याय मिळावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे. ब्युरो रिपोर्ट, इंडियन टीव्ही न्यूज. या होते इंडियन टीव्ही न्यूज. तुम्हाला आमची संपर्क साधायचं असल्यास स्क्रीनवर दिलेल्या क्रमांकाशी संपर्क साधू शकतात. 9320420420. तर आता वेळ झाली निरोप घेण्याची. उद्या पुन्हा भेटूया याच ठिकाणी. तोपर्यंत धन्यवाद.